Morning, everyone. Good morning, good sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Assignment बनाए आगे? आ रहा हूँ. Assignment आगे बनाए? Yes. चलिए ठीक है, तो कल जितना हुआ था उसके आगे फिर बाकी का assignment देखते हैं. दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन सबको दिख रहा है तो यस लिखिए, फिर आगे क्वेश्चन चालू करेंगे. ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 तक. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन कहता है, टू फ्लास्क ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन 10 ग्राम Two flasks A and B of equal capacity contain 10 gram of oxygen and 10 gram of ozone respectively. Which flask will have more number of O atoms and which one will have more number of molecules? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता क्या है कि आपके पास दो फ्लास्क है, आपका दो फ्लास्क है, दैट इज फ्लास्क ए जिसमें 10 ग्राम ऑक्सीजन है और फ्लास्क बी जिसमें 10 ग्राम ओजोन है. ठीक है, अभी इन दोनों में दो फ्लास्क है ए और बी जिसमें 10 ग्राम ऑक्सीजन और 10 ग्राम ओजोन दिया गया है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होगा. ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है O2 और ओजोन का है वो O3 होता है. आपको निकालना है क्वेश्चन में क्या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लीजिए. क्वेश्चन में वापस से दिखा रहा हूँ, टू फ्लास्क ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 10 ग्राम ऑफ ओजोन रिस्पेक्टिवली. विच फ्लास्क विल हैव मोर नंबर ऑफ ओ एटम्स एंड विच वन विल हैव मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे पहले निकालिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालिए. चलिए फटाफट निकाल के आंसर बताइए.
कितना आएगा नंबर, कितना आया नंबर ऑफ एटम्स? कि आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करके निकालिए, देखो आप सबने क्या किया है, सब लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, आप क्या कीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करके निकालिए, ठीक है। लेकिन फ्लास्क ए में ऑक्सीजन है ओ टू, तो फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा, फ्लास्क ए के लिए भी और फ्लास्क बी के लिए भी, ठीक है। जब आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चला आएगा तो उसके बाद सुनिए ध्यान से, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम होगा और ओजोन के एक मॉलिक्यूल में तीन ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक। तो जो आपने फ्लास्क ए के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला है उसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपने फ्लास्क बी के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला उसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका नंबर ऑफ एटम्स आएगा। चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए दोनों फ्लास्क का, फॉर्मूला नंबर थर्ड यूज करेंगे आप, थर्ड मतलब फॉर्मूला नंबर ए जो आपको नोट्स में दिया गया है। खुशबू अपना वीडियो ऑन कीजिए, देखिए आप बिना वीडियो ऑन करे पढ़ेंगे मैं आपको हटा दूंगा इस लिंक से। कितना आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना आया दोनों फ्लास्क के लिए? हाँ प्रियांशु सर, ऑक्सीजन का यानी फ्लास्क ए में 1.86 × 10³³ एटम्स, 1.86 हाँ ठीक है, एटम्स के मॉलिक्यूल्स किसका ज्यादा है पहले ये बताइए। मॉलिक्यूल सर फ्लास्क ए में ज्यादा है जिसमें ओ टू है, ठीक है, और फ्लास्क बी में है वो ओ थ्री जिसमें है वो 1.25 × 10³³ एटम्स, ठीक। बाकी लोग का सबका सेम है? हाँ कुछ बोलिए सर। फ्लास्क एक आया 1.87 × 10³। क्या चीज, मॉलिक्यूल्स या एटम्स? हाँ मॉलिक्यूल्स। तो ज्यादा किसका है, ए और बी? फ्लास्क ए का। फ्लास्क ए का, और एटम्स? एटम्स आएगा 3.7424 × 10³। दोनों का नहीं, फ्लास्क ए का और फ्लास्क बी का होगा। हाँ 2.50 × 10³। बाकी लोग का
बाकी लोगों का ठीक है, एटम्स आपका सेम होगा, ए और बी का, अंशु का आंसर ठीक है, रूपम का ठीक है, विपुल का भी ठीक है, ठीक है आंसर। नंबर ऑफ एटम्स दोनों फ्लास्क में सेम होंगे, मॉलिक्यूल्स ए का ज्यादा होगा। देखिए ये क्वेश्चन को आप मतलब अपने मन में भी ठीक कर सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ किस टाइप से इसको शॉर्टली बना सकते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, वापस से ध्यान दीजिएगा। देखिए दो फ्लास्क है ए और बी, ठीक, दोनों का इक्वल कैपेसिटी है, कहने का मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, ओके। अभी वेट दे रखा है फ्लास्क ए में 10 ग्राम ऑक्सीजन और फ्लास्क बी में 10 ग्राम ओजोन है, मतलब ओ थ्री का जो मॉलिकुलर वेट होगा वो जाहिर सी बात है ओ टू से ज्यादा होना चाहिए। ओ थ्री का मॉलिकुलर वेट ओ टू से ज्यादा होना चाहिए, तो जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो फ्लास्क बी के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड होगा वो 48 से डिवाइड होगा और फ्लास्क ए के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड होगा वो 32 से डिवाइड होगा। इस तरीके से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फ्लास्क ए में है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आप बिना डिवाइड किए भी इसको बता सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में अगर नंबर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आपको आंसर कम नंबर कम वैल्यूज देगा, ठीक है। तो इस वजह से हम डायरेक्टली बता सकता हूँ, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, उसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए हाँ क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, हेलो सबको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दीजिए, उसमें एक मिस्टेक है। जहाँ पे सेकंड पार्ट लिखा हुआ 0.50 वहाँ पे देखिए 50 बार डायरेक्टली Na2CO3 लिखा और कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे 0.50 m लिखना चाहिए था, m छूट गया, कैपिटल m, और मोलैरिटी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी तक, तो मोलैरिटी पढ़ाऊंगा उसके बाद आप ये क्वेश्चन बनाएंगे। उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ जहाँ पे मैंने डार्क कर रखा है 0.50 Na2CO3 डिफरेंट लिखा है, तो यहाँ पे 0.50 m छूट गया है, आपको नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालना है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, उसमें से आपको वेट दे रखा है, W आपको दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, ठीक। उसके बाद आपको ये आयरन का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है बाय मास। इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए, मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मास ऑफ CO2 विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर कंटेन्ड इन 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप अभी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये ठीक क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। What mass of CO2 will contain same number of atoms as are contained in 20 gram of oxygen? Question अगर समझ में आया हो तो yes लिखिए। किनको किनको question समझ में आया? अंशु खुशबू दोनों को समझ में आया? चलिए सबसे पहला कहाँ गई खुशबू? खुशबू समझाइए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। सर उसमें बोला है कि O2 का जितना मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इज इक्वल टू जो दूसरा दिया हुआ है उसका,
ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला से हम इक्वेट करके निकाल लेंगे ना। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे, उसके बाद दूसरा वाला का निकाल देंगे। हाँ, तो आप इसमें क्या करेंगे, देखो सबको बोल रहा हूँ, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने से अच्छा है कि डब्लू वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे। तो दोनों साइड में इक्वल टू के दोनों साइड में एक तरफ आप CO2 के लिए लिखिए, एक तरफ O2 के लिए लिखिए, और तब जिधर आप O2 के लिए लिख रहे हैं उधर 20 ग्राम लेंगे, और जिधर CO2 के लिए लिख रहे हैं उधर आप WCO2 लेंगे, तो एक एक ही इक्वेशन में आपका तुरंत हो जाएगा। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। किसी को लिख के दिखाना है तो भी आप लिख सकते हैं। हाँ विपुल, सर। हेलो, हाँ सर, ये सर यानी CO2 और O2 का सर यानी मास लिख देंगे नीचे और एवोगाड्रो नंबर से इनटू कर देंगे। चलो मैं आपको बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, उसमें लिख के दिखाता हूँ कैसे आपको ये करना है। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है आपको कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CO2 एंड सॉरी O2 आर सेम। ठीक है, तो हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या लिखेंगे, WCO2 डिवाइडेड बाय m ऑफ CO2 is equal to W of O2 divided by M of O2। ठीक, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो एवोगाड्रो नंबर है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एवोगाड्रो नंबर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हम डब्ल्यू सी ओ टू अपॉन एम ऑफ सी ओ टू इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ ओ टू अपॉन एम ऑफ ओ टू करेंगे। अभी डब्ल्यू हमको दे रखा है 20, यहाँ मोलिकुलर मास डालेंगे ऑक्सीजन का मतलब 32 डालेंगे, और यहाँ मोलिकुलर मास डालेंगे सी ओ टू का मतलब 44 लिखेंगे, और हम यहाँ से डब्ल्यू ऑफ सी ओ टू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। चलिए फटाफट आप बोर्ड देखिए और सॉल्व करके बताइए। बाकी लोग का सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? नंदनी चेक योर आंसर, सबका अलग अलग क्यों? अंशु 22, देन नंदनी 18.83, प्रियांशु 27.5, बाकी लोग विपुल, खुशबू, रूपम, बोर्ड शेयर करें आप। अंशु सर आंसर क्या है? हाँ आंसर 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 है इसका 13.75 ग्राम। 13.75। आरो बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिए।
आंसर 27.5 आएगा, आंसर 27.5। अंशु 13.7 पर कैसे लाए? आंसर 13.75 कैसे लाए? सर अगर सिर्फ वो लेते हैं तो 13.75 आया, और वो अगर O2 लेते हैं तो 27.5 आ रहा है। वो अगर O2 लेते हैं मतलब वो ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूल लेते हैं तो 27.5 आ जाता है, और अगर एटम लेंगे तो 13.75 आ रहा है। अच्छा चलो बढ़िया। बाकी लोग का किसने क्या लिया और किसने मॉलिक्यूल लिया किसने एटम को निकाला? सर अगर ये वो क्या बोल रहा है ओ लिए तो 13.75 आ रहा है। हाँ बिल्कुल उसके वो अपने जगह पे सही है। आप लोगों ने क्या निकाला? सर मेरा 27.5 आया। जी बिल्कुल, देखो 27.5 कब आएगा जब हम सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे। सिंस ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो दो एटम कंटेन करता है और CO2 का एक मॉलिक्यूल दो एटम कंटेन करता है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों का सेम है। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स दोनों का सेम है तो सेम। CO2 में O2 का कंटेंट कितना है? दो एटम, और ऑक्सीजन में भी दो एटम है तो हमको क्या करना होगा? टू से डिवाइड करना होगा मॉलिक्यूलर मास को, तब जाके हमारा 13.75 आएगा। ठीक है, बाकी लोगों का, बाकी लोगों का आ गया। कल्पना यहाँ पे आंसर बोलो। सॉल्व सर। क्या सर? सॉल्व कर दीजिए सर। ये सॉल्व कर दें। देखो सॉल्व कैसे करें इसको। हमारा यहाँ पे जैसे हमने क्या निकाला, WCO2 is equals to 27.5। ठीक, अभी CO2 में कितना है O2? CO2 में इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन
two atoms of oxygen. Two atoms of oxygen. Okay. Therefore, WCO2 is equal to कितना हो जाएगा? 27.5 divided by 2. ये हमको इतना आंसर देगा. ठीक है? या फिर आप यहाँ से नहीं करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं. एक तरीका और है जो आपने किया है उसके अलावा, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या दे रखा है. इससे आप एक काम किए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए. N इज इक्वल टू W ऑफ O2 डिवाइडेड बाय M ऑफ O2. क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 20 divided by 32. कितना हमको देगा? फटाफट बताइए कैलकुलेट करके. ट्वेंटी डिवाइड बाय थर्टी टू जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव. ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स हमको मिल गया. ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, देखिए ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम है हमारा 5/8 नहीं चलेगा. यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमको मिल गया तो ये नंबर ऑफ मोल्स जो है हम CO2 के लिए भी यूज कर सकते हैं. नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम है दोनों का तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होना चाहिए. उस कंडीशन में फॉर WCO2 इज इक्वल टू 0.625 इनटू 44 डिवाइड बाय 2. डिवाइड बाय 2 इसलिए क्योंकि CO2 में नंबर ऑफ एटम्स कितना है ऑक्सीजन का, तो दो एटम्स है. ठीक है, अब आपका आंसर कितना है फटाफट बताइए. 0.625 into 44 divided by 2 = 13.75. तो आपके पास दो तरीके हैं इसको बनाने के. ठीक है, या तो आप नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करके बनाइए या फिर डायरेक्टली यहाँ इस तरीके से बनाइए. देखो ये मैं आपको दोनों हाईलाइट कर, या तो आप पहले वाले तरीके से बनाइए उसके बाद उस वेट को 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि आपका वेट ऑफ CO2 निकल आए, एंड या फिर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल के तब उसको डिवाइड कीजिए. हाँ प्रियंशु बोलिए. सर यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो, ऑक्सीजन में भी तो O2 है. क्या चीज सर? यहाँ ऑक्सीजन में भी तो O2 है. ऑक्सीजन में O2 है लेकिन हमको मास किसका निकालना है? हमको मास CO2 का निकालना है. तो ऑक्सीजन में जब O2 है तो उसका जो नंबर ऑफ मोल्स से हम इसका नंबर ऑफ मोल्स पता करते हैं. जैसे मान लीजिए आपने अगर उसको दो एटम से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो उसको दो एटम डिवाइड करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला. हमको निकालना क्या है फाइनल रिजल्ट? तो CO2 का निकालना है वेट. तो हम वहां का रिलेशन यहाँ यूज करेंगे. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट यही चीज, यही सारा चीज थोड़ा पेचीदा रहता है कि आप वहां निकाल के तब उसका रिलेशन यहाँ यूज कीजिए. ठीक है, यस सर. यस सर, और किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन चले. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट मास ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 147.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड? व्हाट मास ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 147.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड? इसको आप छोड़ दीजिए, हमारे टॉपिक्स है कुछ कुछ परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह, तो वो बताने के बाद बताएंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग इतना ग्राम. इफ द ड्रॉप इवेपोरेट्स इन 1 आवर, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड सरफेस इन 1 सेकंड? देन टू फ्लास्क ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन NH3 एंड SO2 गैस रेस्पेक्टिवली अंडर सिमिलर कंडीशन, व्हिच फ्लास्क हैज मोर नंबर ऑफ मोल, मोर मास ऑफ द गैस एंड मोर नंबर ऑफ एटम्स? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कीजिए.
क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कीजिए, जस्ट लाइक आपका क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, इसमें भी आपको बताना है कौन सा फ्लास्क में क्या होगा ज्यादा। किसका आंसर आया? तीन क्वेश्चन है इसमें, तीन क्वेश्चन है। सबसे पहला पूछता है कि मोर नंबर ऑफ मोल्स, दोनों फ्लास्क में से सबसे ज्यादा मोल्स किसमें है। ये मिक्स करके आंसर क्यों लिख रहे हैं सबको? सबसे पहले आप फर्स्ट का आंसर बताइए, मोर नंबर ऑफ मोल्स किसमें है। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सर सेम होगा दोनों में। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा दोनों में। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स। यस सर, दोनों में सेम होगा सर। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा। उसके बाद सर SO2 के पास ज्यादा मास होगा और नंबर ऑफ एटम्स NH3 में ज्यादा होगा। SO2 के पास ज्यादा मास होगा, नंबर ऑफ एटम्स 3 में, NH3 में ज्यादा होगा। हाँ ठीक, चलिए आंसर ठीक है। बाकी लोग का फर्स्ट इज NS, दोनों का सेम होगा नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड में आपका SO2 और थर्ड में आपका NH3 आंसर आएगा। सबका आया? सबका आंसर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इज सेम, उसके बाद SO2 और फिर आपका NH3। रूपम का आया, और किसका? नंदनी, कल्पना, आरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर. फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालिए. तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए. सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए इसका. क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, उसके बाद बताऊंगा कैसे फिर क्या करना. आपने बनाया है मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी. हाँ सर, ये सर सरकोज का सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे सर पहले. हाँ पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा उसके बाद. सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, बिल्कुल कहीं ऐसी जगह बैठो जहाँ आवाज इतना ना हो, ठीक है अगली बार से. एक मिनट सर, एक मिनट. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, मोल नहीं. अंशु देखो बोल रहा हूँ, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकालिए, उसके बाद आप क्या करेंगे नंबर उसमें लिखेंगे कि सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज कंटेन्स 22 हाइड्रोजन एटम्स. सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज कंटेन्स 22 हाइड्रोजन एटम्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, जितना आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है उसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर चला आएगा. हाँ प्रियंशु सर, सर आंसर जो भेजे वो सही है? कौन सा वन अभी भेजे, ये मॉलिक्यूल्स के लिए? यस सर. नहीं एटम्स निकालिए ना, मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट आंसर कैसे होता है? इसको मल्टीप्लाई किया 22 से कितना आ रहा है तो बताइए. सर ये एटम्स का है. एटम्स का है, एक सेकंड बता रहा हूँ. वन पॉइंट थ्री टू इंटू 10^23. आपने 2 पॉइंट घसका दिया, इसको चेक कीजिए कैलकुलेशन. 1.32 इंटू 10^23.